तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स, और आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स में एसटीआर का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन आपका जून 2016 में आया हुआ है, जो कि पार्ट सी का एक क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, फॉर ए पार्टिकल ऑफ एनर्जी ई एंड मोमेंटम वी इन अ फ्रेम एफ, द रेपिडिटी वाई इज डिफाइंड वाई इज इक्वल टू दिस, इन अ फ्रेम एस डैश मूविंग विद वेलोसिटी वी इज इक्वल टू दिस विद रिस्पेक्ट टू एफ, द रेपिडिटी वाई डैश विल बी, ऑप्शंस आर 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको फ्रेम एफ में यहां पे आपको एनर्जी ई दी हुई है और मोमेंटम पी दिया हुआ है, और यहां पे आपको रेपिडिटी वाई का ये फॉर्मूला दिया हुआ है। उसके लिए आपको यहां पे ये बताना है अब कि एफ डैश में आपकी जो रेपिडिटी होगी वो क्या होगी, और ऑप्शन आपके पास है यहां पे 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स, आइए अब इस क्वेश्चन को हम यहां पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे आप एनर्जी और मोमेंटम का यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे कि आपका यहाँ पे एनर्जी और मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है एफ डैश फ्रेम में। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं एनर्जी एंड मोमेंटम इन एफ डैश फ्रेम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपकी जो एनर्जी होती है ई एंड, और जो आपका यहाँ पे मोमेंटम होता है पी इन एस डैश इन एफ डैश फ्रेम। तो ये हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, तो इनके हम देखते हैं फॉर्मूले क्या होते हैं। तो फ्रेंड, जो आपका यहाँ पे पी होता है, तो पी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, पी डैश इज इक्वल टू, यह आपके पास होता है गामा, और आप इसको यहाँ पे लिखोगे P माइनस का, ये होता है आपका वी ई अपॉन सी। तो ये तो आपका मोमेंटम होता है इन एफ डैश फ्रेम। इस तरीके से आप यहाँ पे एनर्जी लिख सकते हैं एफ डैश फ्रेम में, ये हमारे पास होती है गामा, और आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं E माइनस का, ये होता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है E माइनस का, आप इसको लिखेंगे P और ये हो जाएगा आपका वी। सही है फ्रेंड, तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से वी लिखेंगे, तो ये हमारे पास होता है आपका V, वेयर हमारे पास जो गामा होता है इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। तो ये हमारे पास गामा की वैल्यू होती है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमको गिवन है रेपिडिटी इन एफ फ्रेम, तो एफ फ्रेम में जो आपको दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन एफ फ्रेम। तो आपके पास जो एफ फ्रेम है, एफ फ्रेम में जो आपको यहाँ पे रेपिडिटी दी हुई है वाई, इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास है आपका 1/2, ये हमारे पास है आपका, सॉरी, तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे कितना दिया हुआ है। तो फ्रेंड, हमारे पास है 1/2, यहाँ पे आपके पास है ln, और आप यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट, ये हमारे पास कितना है आपका E3+, आप यहाँ पे इसको लिखेंगे E3+, ये हमारे पास है आपका P3C डिवाइडेड बाई, आप यहाँ पे इसको लिखेंगे E माइनस का, ये हमारे पास है P3C। तो फ्रेंड, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आपका F फ्रेम में है। अब हम इस F फ्रेम में जो आपकी रेपिडिटी दी है, हम इसको यहाँ पे Y डैश फ्रेम में लिखेंगे। तो अब हमारे पास जो Y डैश फ्रेम है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं N आपका, सॉरी, F डैश फ्रेम। तो आपका जो F डैश फ्रेम है, इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो रेपिडिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं y डैश, तो ये हमारे पास होगा आपका 1/2, ये हमारे पास है ln। अब जो आपके पास यहाँ पे F डैश फ्रेम में है, तो आपको पता है F डैश फ्रेम में हमारा जो मोमेंटम है वो P डैश है, और हमारी जो एनर्जी है वो E डैश है। तो आपके पास जो क्वेश्चन आपको F में दिया हुआ है, जो आपको रेपिडिटी F में दी हुई है, वहां पे जो आपका मोमेंटम आ रहा है और जो आपका E आ रहा है, उसकी जगह आप क्या लगा देंगे, P डैश और E डैश। तो ये हो जाएगा हमारे पास आपका E डैश माइनस, सॉरी, प्लस, ये हो जाएगा आपका P डैश, और आप इसको लिख लेंगे यहाँ पे C डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास हो जाएगा आपका E डैश माइनस, आप इसको लिख लेंगे P डैश, ये हो जाएगा हमारे पास C इस तरीके से। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपने इसको इस तरीके से लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे E डैश और P डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये तो आपका ऐसे रहेगा 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास ln। अब देखिए, आपके पास जो E डैश की वैल्यू है वो आपके पास है गामा E माइनस का PV, और जो आपके पास P डैश की वैल्यू है वह आपके पास गामा P माइनस का V अपॉन C। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट पड़ते हैं, तो ये हो जाएगा गामा, और E डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास E माइनस का, ये हो जाएगा P, और आप इसको लिखेंगे V, ये हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास C गामा, और आप यहाँ पे इसको लिखेंगे क्या P, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का, आप इसको लिखेंगे V E अपॉन, और यह आ जाएगा आपका C स्क्वायर इस तरीके से, डिवाइडेड बाई,
फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे इसको डिवाइडेड बाय करेंगे, अब ई डैश की वैल्यू आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास ई माइनस का, ये हो जाएगा पी वी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, ई माइनस का पी वी प्लस, अब सॉरी यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका सी गामा। अब हम यहाँ पे पी डैश की वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा पी माइनस का वी ई अपॉन सी स्क्वायर। फ्रेंड ये हो गया आपका ब्रैकेट क्लोज। अब आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को यहाँ पे ओपन करेंगे तो आप देखिए गामा कॉमन ले लेंगे तो गामा से गामा आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, वन अपॉन टू ये हमारे पास है एल एन। अब फ्रेंड यहाँ पे आप देखिए ये मेरे पास पी वी आ रहा है, तो अब हम क्या करते हैं पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ई माइनस का पी वी, ये हो जाएगा प्लस, आप इसको लिख लेंगे यहाँ पे पी सी, ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए एक सी से आपका एक सी कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका वी अपॉन सी इंटू ई डिवाइडेड बाई, अब फ्रेंड नीचे भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा ई माइनस का पी वी, ये हो जाएगा माइनस, और आप यहाँ पे देखेंगे ये आ जाएगा आपका पी सी, ये हो जाएगा प्लस, और आप यहाँ पे इसको लिखेंगे वी सी अपॉन ई। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पास एक कमाल की चीज हो रही है, यहाँ पे आपको देखिए ये मेरे पास है आपका E, ये मेरे पास है PC, तो आप E PC को एक तरफ ले लीजिए और यहाँ से आपका V आ रहा है और आप यहाँ पे V वाली टर्म को एक तरफ लिख लीजिए। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये मेरे पास हो जाएगा E, इसको आप इसको और इसको आप एक साथ लिख लीजिए, तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू वन अपॉन टू, ये हमारे पास है आपका एल एन ब्रैकेट, और आप इसको लिखेंगे यहाँ पर ई, मैंने आपको पहले बताया इसको हम एक साथ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास पी सी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपके पास बी आ रहा है, यहाँ से भी आपके पास बी आ रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से फ्रेंड्स हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं आपका यहाँ पे पी अपॉन बी, तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेते हैं आपका, तो ये हो जाएगा माइनस का पी अपॉन बी कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट, और यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ से अगर आप इसको कॉमन लेते हैं तो फ्रेंड यहाँ से आपका ई आ जाएगा बाहर और यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास ई प्लस का पी सी। तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, ई माइनस का पी सी हो रहा है माइनस, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो फ्रेंड देखिए यहाँ से आपके पास है वी अपॉन सी, तो यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, प्लस का वी अपॉन सी, तो यहाँ से आपके पास प्लस का वी अपॉन सी आ रहा है, यह आ जाएगा आपके पास ई माइनस का पी सी इस तरीके से। अब देखिए ये हमारे पास हो गया, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू, ये हमारे पास से एल एन। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका ई प्लस का पी सी, इसमें से आपका ई प्लस का पी सी कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ई प्लस का पी सी, ये हो जाएगा आपके पास वन माइनस का, आप इसको लिख सकते हैं वी अपॉन सी डिवाइडेड बाई, फ्रेंड यहाँ से आ रहा है आपका ई माइनस का पी सी, ये हो जाएगा आपका, और आप इसको लिख सकते हैं वन प्लस का वी अपॉन सी, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं हमारा v अपॉन c इस तरीके से। अब आपको पता है कि बीटा हमारे पास क्या होता है, v अपॉन c, तो यहाँ पे आप इसको अब देखिए फ्रेंड्स ये आप इसको यहाँ पे ln है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ln, ये हमारे पास होता है आपका आपका m इंटू n, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं ln m, ये हो जाएगा प्लस का ln n, तो इस तरीके से। तो फ्रेंड ये आपका 1 अपॉन 2 दोनों में आ जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास ln, और आप इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा pc डिवाइडेड बाई e माइनस का, ये हो जाएगा pc प्लस, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2, आप इसको लिख सकते हैं ln, ये हो जाएगा 1 माइनस, अब v अपॉन सी की जगह आप बीटा रख दीजिए, ये हमारा बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस का बीटा इस तरीके से। अब फ्रेंड आपको पता है कि ये वैल्यू हमारे पास किसकी है, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर y है, तो आप यहाँ पे इसको y लिख लेंगे, y प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, आपने इसको लिखा यहाँ पे ln, ये मेरे पास है माइनस का बीटा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस का बीटा, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, वाई डैश की। तो अब आपके पास यहाँ पर y डैश की वैल्यू आ चुकी है, y डैश आपके पास आ चुका है y, ये आपके पास है प्लस, आप इसको लिखेंगे 1 अपॉन 2, ये हमारे पास है ln, ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 1 माइनस का बीटा, ये हमारे पास क्या है आपका 1 प्लस का बीटा। अब देखते हैं हम आपके हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहे हैं, तो फ्रेंड आप यहाँ पे ऑप्शन देखने चलते हैं, तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है,
फ्रेंड ये वाला तो आपका ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ये वाई डैश यहाँ पे आपका 1 माइनस का बीटा स्क्वायर आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे माइनस का आ रहा है, तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन आपका हम चेक करते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है, वाई प्लस एल एन 1 प्लस का बीटा 1 माइनस का बीटा। तो फ्रेंड यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ऊपर क्या आ रहा है, 1 माइनस का बीटा 1 प्लस का बीटा, यहाँ पे प्लस का साइन है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास, तो फ्रेंड आप देखिए ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं है, ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है कब, जब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसका लॉग को कन्वर्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड देखिए इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका वाई डैश, इसको आप लिखेंगे वाई। अब अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा एल एन, और फ्रेंड ये वैल्यू मेरी चेंज हो जाएगी, ये ऊपर आ जाएगी प्लस की और ये आपके पास नीचे आ जाएगी माइनस की। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर। तो फ्रेंड इस तरीके से ना आप यहाँ पर अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर बी। तो ऑप्शन बी फ्रेंड यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगर फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, और अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो इसको डिसलाइक कर देना। और फ्रेंड जाते जाते मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप मेरे को यहाँ पर टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो आप मेरे को टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर पोटेंशियल जी को सर्च कर सकते हैं। तो पोटेंशियल जी को सर्च कर लीजिए, मैं आपको मिल जाऊंगा टेलीग्राम के ऊपर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।